तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहाँ पर BTST की, हम कल क्या लेके जा सकते हैं। आज यहाँ पर RBI पॉलिसी यहाँ पर आई और हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल देखने मिला। अब RBI में क्या बोला, क्या दिक्कत आई है, अगर आप इक्विटी किंग के यहाँ पर अगर आप चैनल पे जाओगे और शॉर्ट्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एग्जैक्ट रीज़न की क्या है, क्यों मार्केट वहाँ पर फॉल किया। और हाँ, एक और चीज़, जो लोग भी आज BTST प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बता दूँ कि आज रात फेड की भी मीट है, जिससे अगर रेट हाइक होता है तो थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर आप मेरा शॉर्ट्स जाके देखोगे और अगर फेड रेट हाइक करता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा कॉशियस साइन यहां पर हो सकता है। लेकिन अभी चलिए हम कल क्या लेके जा सकते हैं, यहां पे पहले एनालिसिस समझ लेते हैं। यहां पे अगर देखोगे कि मार्केट कंटिन्यूसली ये लेवल एक मेंटेन कर रहा था, पर फिलहाल मार्केट ने क्या किया, यहां पर ऐसे कोशिश की एंड ये पैटर्न को ब्रेक कर दिया। सो मार्केट एक पैटर्न में लोअर लो एक बनाना शुरू कर दिया है। तो यहां पर BTST अभी रात को क्या है, एक न्यूज, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। सो अगर आज मार्केट यहां पर 44,700, जहां से मार्केट अभी जो रीसेंट फॉल आया था, अब बोलोगे सर रीसेंट फॉल मुझे तो नहीं पता होता, तो यही चीज आप लोगों को टेलीग्राम पे यहां पे बता दी गई थी। यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, यहां पे लिखा था आवर व्यू इज डाउनसाइड। ये सारी चीजें कैसे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। सो मेक श्योर आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दो। पिछले वीडियो में अच्छा लाइक आया फिर नहीं आया, तो ये लेट्स टारगेट एटलीस्ट मिनिमम 100 लाइक्स इन दिस वीडियो, ठीक है। सो अभी करंटली हम मार्केट का पैटर्न जो देखेंगे, मार्केट का पैटर्न आपको यहां पे दिख रहा होगा कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब तक 44,700 के ऊपर आज क्लोजिंग नहीं आता तब तक हम वहां पर कुछ नहीं करेंगे। एंड यहां पर 44,300 मार्केट बार बार यहां पर टेस्ट कर रहा है। पिछली बार आई होप आप लोगों को ये वाला डाउनफॉल याद रहा होगा। तो 44,400 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम यहां पे सेल नहीं कर सकते। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए क्योंकि ये वाली रेंज इज अ नॉन प्लेइंग रेंज मार्केट के लिए। अब निफ्टी 50 मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं इन दी एंड आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये होता है आपको एनालिसिस कि आप BTST, काफी लोग पूछते हैं ना सर BTST कैसे प्लान करें, आप एनालिसिस देखो कि कैसे वो प्लान करते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट में यहां से सेलिंग आई है। तो मतलब यहां पर जिस 19,600 के ऊपर ही हमारा यहां पर बाय होगा और 19,480 के नीचे ही हम लोग सेल प्लान करेंगे, क्योंकि ये वाली रेंज में मार्केट देखो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। सो BTST का एनालिसिस ऐसा होता है। मैं क्या लेके जाऊंगा, हम अभी दो दिन से स्टॉक्स लेके जा रहे थे। क्यों लेके जा रहे थे, मार्केट के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये सारी चीजें गाइडेंस कहां मिलेगी आपको, इक्विटी किंग पे मिलेगी। तो क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लस मैं नीचे कमेंट पे भी डाल दूंगा। तो मार्केट के पास रेंज है, बस अभी मार्केट क्लोज होने में अभी भी 1.5 आवर के आसपास बाकी है। सो कोशिश करिएगा कि देखो कि किस तरफ क्लोजिंग आ रही है। अगर द बेस्ट पॉसिबल कि आप लोग कुछ स्टॉक्स प्रीफर करिए, इंडेक्स को अवॉइड करिए। और स्टॉक्स में मेरा क्या पिक रहेगा वो मैं आपको इन दी एंड आप लोगों को बता दूंगा। हमारे पास एक BTST है जो प्रीमियम में ऑलरेडी दे दिया गया है एडवांस में। अब यहां पे देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करता है, उसका जो रिजल्ट है वो सारी चीजें आपके लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। सो मीट मी इन टेलीग्राम, मिलते हैं वहां पर। सो मेक श्योर न्यूज है, काफी सारी चीजें एक साथ है। सो अवॉइड इंडेक्स, दैट्स माय गाइडेंस। हाँ, स्टॉक्स में हम क्या लेके जाएंगे वो मैं आप लोगों को वहां पर अपडेट दूंगा। तो चलिए मेक श्योर कि वीडियो का टारगेट ले लेते हैं 100 लाइक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि BTST का एनालिसिस ऐसे करते हैं। थैंक यू।